we have another kind of logic that is called sequential logic. अब sequential logic में क्या होता है, इसमें inputs होते हैं, logic gates होते हैं और outputs होते हैं, ये तो हमने देख लिया. लेकिन combinational में हमने देखा कि जो output है that directly changes with the input. जो input हमने दिया output change हो जाता है. Previous value क्या था output का, उसके साथ हमें concern नहीं है, no concern. So combinational circuits produce an output based on input variable only. जो input आ गया तो output change हो जाता है. So we call Z is a function of X. X means inputs. Input जो होगा output change हो जाएगा. ठीक है. Then we have sequential logic. जिसमें output change हो जाता है, ये output है external. It is not just a function of inputs. इसमें खाली inputs का दखल नहीं है कि output change हो जाएगा. इसमें जो प्रीवियस आउटपुट था उसको हम मेमोरी में सेव कर देते हैं. ये प्रीवियस आउटपुट था उसको हमने एक स्टेट की सूरत में मेमोरी में सेव कर दिया. अब हमें नेक्स्ट आउटपुट चेंज करना है, वी कंसीडर दिस एज इनपुट एज वेल. ये जो आउटपुट है यहां से वापस जाके फीडबैक आ रहा है एज इनपुट, तो ये एज इनपुट आ रहा है. तो सिक्वेंशियल में क्या हो जाता है, इट इंक्लूड्स मेमोरी एलिमेंट जिसमें हम प्रीवियस आउटपुट सेव करके रखते हैं, और जब नया आउटपुट क्रिएट करना हो दैट आउटपुट, फॉर एग्जांपल जेड है हमारे पास, वो खाली इनपुट्स का फंक्शन नहीं है, इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ प्रीवियस आउटपुट. जो प्रीवियस आउटपुट था इस पे भी डिपेंड करता है और तब जाके आउटपुट चेंज होगा. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको काउंटर कहा था, अगर हमारे करंट स्टेट का वैल्यू है 2, अगर हमारा करंट स्टेट 2 है, हमें इंक्रीमेंट काउंटर लिखना है. काउंटर का मतलब है जो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद वापस 0 जाता है, 0 1 2 3 4. ठीक. अगर प्रीवियस आउटपुट था 2, मैं फिर से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा, ये प्रीवियस आउटपुट यहाँ मेमोरी में सेव करके रखेगा. ठीक है. अब जब ये नया स्विच करेंगे कि नेक्स्ट आउटपुट दे दो, ये देखेगा कि प्रीवियस आउटपुट क्या था, वो 2 था. इसका मतलब है नेक्स्ट आउटपुट क्या आना चाहिए, 3. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है. तो अगर प्रीवियस स्टेट 2 था, मुझे नेक्स्ट स्टेट 3 में जाना है, तो आई नो दैट कि 2 के बाद मुझे 3 में जाना है. अगर प्रीवियस स्टेट 1 होगा तो 1 से मैं 3 पे नहीं जा सकता डायरेक्टली, फर्स्ट आई हैव टू गो टू 2, क्योंकि मुझे प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंडेंसी है यहाँ. So this is what we call it as a sequential circuit. तो अभी तक हमने कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं देखा, आपने एडर देखा, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर देखा, मल्टीप्लेक्सर देखा, आपने एनकोडर देखा, डिकोडर देखा, इनमें से किसी में भी हमने मेमोरी एलिमेंट नहीं देखा और ना प्रीवियस इनपुट आउटपुट देखा. ठीक है. और यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट की बात हो रही है, तो सिक्वेंशियल सर्किट हम देखेंगे. अब ये मेमोरी हम कहाँ पे सेव करते हैं, वी यूज फ्लिप फ्लॉप्स हैं और लैच्स, अभी हम ये भी आगे जाके देखेंगे. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स. सीक्वेंशियल सर्किट्स के हमारे पास दो किस्म है, एक को हम कहते हैं एसिंक्रोनस और दूसरे को हम कहते हैं सिंक्रोनस. ये दूसरा है, वन एसिंक्रोनस, दूसरा सिंक्रोनस. अब एसिंक्रोनस सिंक्रोनस को समझने के लिए I will give you an example. ठीक है. मैंने एक ईमेल टाइप किया. ठीक है. मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया ईमेल एड्रेस पे, फॉर एग्जाम्पल abc@gmail.com. ये मेल चला गया, कहाँ पे जाता है, ये मेल चला जाता है ईमेल उसके सीधे अकाउंट में, जो उसका इनबॉक्स है, जिसको हम इनबॉक्स कहते हैं ईमेल की टर्म्स में. तो ये मेल वहीं पे चला जाएगा, मेल वन. क्या ये कंपलसरी है कि इसी वक्त मेरे जो मेरा जो फ्रेंड है उसको उसी वक्त ये देखना है, वो अवेलेबल होना चाहिए ऑनलाइन, तब जाके वो इसको रिसीव कर सकता है. इज इट कंपलसरी, क्या मेरे फ्रेंड का ऑनलाइन होना कंपलसरी है तब जाके ये ईमेल वो रिसीव कर सकता है, अगर वो उस वक्त जरूरी है? नो सर. नहीं है. क्यों?
क्योंकि ये जो मैसेज चली जाती है इसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब है जिसमें सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम एक साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल लीजिए, मैं कॉल कर रहा हूं अपने फ्रेंड को, ठीक, मैंने उसको कॉल किया, अगर मेरा फ्रेंड ऑफलाइन है, अगर मेरा फ्रेंड डिसकनेक्टेड है, क्या ये कॉल कनेक्ट हो जाएगी? नो सर, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है जब मैं डेटा सेंड करूंगा उसी वक्त वो रिसीव करना चाहिए, ठीक है, उसी टाइम यहां पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस। सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप ये ले लो, सिंक्रोनस का मतलब है जब हम सिंक करते हैं दो सोर्स और डेस्टिनेशन को, जिस वक्त मैं यहां से डेटा भेजूंगा उसी वक्त वो रिसीव करना चाहिए, ठीक है। एसिंक्रोनस का मतलब है जब मैं यहां से डेटा भेजूंगा ही कैन चेक इट लेटर ऑन, इसमें कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं है कि इसी वक्त इसको भेजना है। तो यहां पे भी आप समझ लो कि हमारे पास दो किस्म के सर्किट्स है, एक को हम कहते हैं एसिंक्रोनस, इसमें हम कोई क्लॉक यूज नहीं करते क्योंकि टाइम की डिपेंडेंसी है। जब मैं सिंक्रोनस की बात करूंगा, मैंने फ्रेंड को 3:50 पर कॉल किया, तो 3:50 पे वो उसी टाइम पे उसको रिसीव करना चाहिए, अदरवाइज कॉल कनेक्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है, इसका का ये है सिंक्रोनस। लेकिन अगर मैंने मैसेज भेज दी तो इसका मतलब है उसको उसी टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, वो उसके इनबॉक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉक का दखल होता है। अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था कंप्यूटर्स के मतलब, जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया था सारी क्लासेस का, वहां पे हमने ये क्लॉक भी पढ़ा था कि सिस्टम में एक क्लॉक होती है कंप्यूटर में, इसी तरह डिफरेंट क्लॉक्स होती है जो कि टाइमिंग सिग्नल जनरेट करती है, और उस क्लॉक के जरिए से हम सिंक कर देते हैं कि किस वक्त हमें वहां पे पहुंचना है। जब वो क्लॉक ऑन होगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं पे रेस होती है ओलंपिक्स में कहीं पे, तो सभी रेसर जो होते हैं जिनको रेस करनी है वो एक लाइन में खड़े होते बैठे हुए होते स्टार्टिंग पोजिशन में होते है। जैसे ही विसल ब्लो होती है उसी वक्त वो सारे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये कब यहां से ट्रिगर होंगे, जब सिग्नल जाएगी क्लॉक के जरिए। अब एसिंक्रोनस में क्या है, एसिंक्रोनस में हमें क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम टाइमिंग कैसे मेंटेन करते हैं वो हम देखेंगे, दूसरा तरीका है इसका, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस में हमें क्लॉक की जरूरत पड़ती है, ये क्लॉक पल्स है। इनपुट्स आ रहे हैं, आउटपुट कब चेंज होगा, आउटपुट तब चेंज होगा जब ये क्लॉक इनको अलाउ करेगी। जब क्लॉक ऑन होगी उसी वक्त आउटपुट चेंज हो जाएंगे यहां से। अगर क्लॉक ऑफ है तो उस वक्त ये आउटपुट चेंज नहीं हो जाएंगे। वी नीड टू कनेक्ट दिस इनपुट विद द आउटपुट। इनपुट्स पे कब आउटपुट चेंज करना है, जब क्लॉक के साथ ये सिंक हो जाएंगे। जैसे ही इनपुट चेंज हो गया, क्लॉक आ गई, क्लॉक पल्स के साथ उसी वक्त आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ये सिंक्रोनस में होता है। लेकिन एसिंक्रोनस में इनपुट्स डायरेक्टली आउटपुट्स को चेंज करते हैं, दे डोंट कंसीडर एनी क्लॉक। इसमें हम क्लॉक को यूज नहीं करते। जब क्लॉक को यूज नहीं करते तो दिस मीन्स दीज आर ए बिट फास्टर, क्योंकि इनको वेट ही नहीं करना है किसी सिग्नल का। जैसे कोई दौड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसने पहले शुरू कर दिया सिग्नल से पहले ही, तो ये पहले पहुंच जाएगा ना, क्योंकि इसको वेट ही नहीं करना है किसी विसल का, किसी सिग्नल का। तो यहाँ पे जब जरूरत ही नहीं है तो दीज सर्किट आर ए बिट फास्टर देन सिंक्रोनस सर्किट्स। तो वी यूज एसिंक्रोनस सर्किट्स व्हेन स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। ये तब हम यूज करेंगे जहां पे स्पीड मैटर करती है, जहां पे हमें क्लॉक के लिए वेट ना करना पड़े, और ये वाले ए बिट स्लोवर होते हैं। तो इसमें दे आर ए बिट स्लोवर। तो अब हमारे पास दो किस्म के सिक्वेंशियल सर्किट आ गया जाके आएंगे। एक किस्म ऐसा होगा जिसमें हम क्लॉक यूज नहीं करेंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। इनपुट्स और आउटपुट्स को कब चेंज करना है, आउटपुट कब चेंज होगा इनपुट के मुताबिक, तो उसके लिए वी डोंट यूज एनी क्लॉक। लेकिन सिंक्रोनस में हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जब क्लॉक ऑन हो जाएगी, ये क्लॉक क्या होती है, ये घड़ी होती है, आप घड़ी समझो जो पल्सिस जनरेट करती है। ये भी एक सर्किट होता है जो पल्सिस जनरेट करता है।
ये जीरो है और ये वन पल्स है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है। और अगर हमें कोई काम करना है, वी सिंक इट विद दिस क्लॉक, मुझे इनपुट चेंज करना है, मैं इसके साथ सिंक कर देता हूँ, इस टाइम पे ये चेंज होना चाहिए, तो मैं इनपुट एक्स को भी उसी के साथ सिंक कर देता हूँ, उसी वक्त आउटपुट वाई भी चेंज हो जाता है, तो वो हम सिंक्रोनाइजेशन आगे जाके देखेंगे, तो इसमें क्लॉक यूज हो जाती है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस सर्किट में हमारे पास क्लॉक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, द सर्किट्स डू नॉट यूज क्लॉक पल्सेस बट यूज द पल्सेस ऑफ इनपुट, जो इनपुट आ रहा है इनपुट से ही आउटपुट चेंज हो जाता है, लेकिन ये आउटपुट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि क्लॉक पल्स ना आ जाए, जब क्लॉक पल्स हाई होगी तब जाके आउटपुट चेंज हो जाएगा, इन बिटवीन कहीं पे नहीं होगा। इन बिटवीन टाइम होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम क्वांटा होता है, आपको पता है कि यहाँ नैनो सेकंड का भी ख्याल रखना पड़ता है कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हमें सिंक करना पड़ता है, जब क्लॉक पल्स आएगी ऑन हो जाएगी उसी वक्त इनपुट्स और आउटपुट्स पे जो कोऑर्डिनेशन है वो हो जाएगी। तो दिस इज रिगार्डिंग सिक्वेंशियल सर्किट्स। अब लास्ट में यूजेस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स, व्हाई डू वी यूज दिस सिक्वेंशियल सर्किट्स, जैसे हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को देखा, वी मेक यूज ऑफ एडर्स, सबट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर, डिकोडर, ये सर्किट्स क्रिएट करने के लिए वी यूज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स यूज किस लिए हम करते हैं, वी मेक यूज फॉर डिजाइन ऑफ काउंटर्स, रजिस्टर्स, रैम, मूरे या मीली मशीन, ये हमारे पास मशीन है, फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, जो आप ऑटोमेटन में पढ़ोगे, तो ये मशीन है एंड अदर मशीन, इनको क्रिएट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम काउंटर, रजिस्टर, रैम, मूरे, मीले, ये मशीन यूज करते हैं। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन दीज, हमें काउंटर देखना है, काउंटर कैसे क्रिएट करेंगे, रजिस्टर्स, रैम, ठीक है, मेनली हमें फ्लिप फ्लॉप देखना है। सिक्वेंशियल लॉजिक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप्स हम समझेंगे, दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग। एक तो मेमोरी एलिमेंट्स होते क्या है, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल सी कि लैच क्या होते हैं, एस आर लैच, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यू मस्ट नो दीज फ्लिप फ्लॉप्स इन डिटेल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझाने में, तो देन वी विल बी कवरिंग अदर सिक्वेंशियल लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल लॉजिक हमने देख लिया कि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास होते हैं, उन सिक्वेंशियल सर्किट्स में फीडबैक पाथ होती है। फीडबैक पाथ का मतलब है जो आउटपुट हमारा जाता है, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, इसका ये आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है, ये आउटपुट हम मेमोरी एलिमेंट्स में सेव कर देते हैं, और आउटपुट तो एक ऑलरेडी हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो इसमें सेव रह गया इसको हम एज इनपुट भी फिर यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। ये यहाँ पे फीडबैक है, वापस जा रहा है, जो आउटपुट आ गया वो वापस एज इनपुट जा रहा है इस लॉजिक गेट को। तो ये सिक्वेंशियल लॉजिक इसमें है, अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट्स को यहाँ पे गौर से देखोगे, दीज आर कॉम्बिनेशनल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में सीधे गेट्स हमारे पास होते हैं, वही जो हमने यूज किया, एडर, सबट्रैक्टर, इसी तरह हमने मल्टीप्लेक्सर, कोडर, एनकोडर, डिकोडर, तो उनमें जो हमने लॉजिक यूज किया वैसा ही लॉजिक होगा, प्लस मेमोरी एलिमेंट्स। इसमें डेफिनेटली हमें मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें प्रीवियस आउटपुट को सेव करना है, वी हैव टू प्रिजर्व दैट। प्रिजर्व क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से नया आउटपुट जनरेट करने के लिए इस प्रीवियस जो प्रिजर्व मैंने आउटपुट किया है उसको यूज करना है एज इनपुट, एज फीडबैक। तो ये सिक्वेंशियल गेट्स है, और सिक्वेंशियल गेट्स में हमने देख लिया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल गेट्स, वन इज कॉल्ड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस जिसमें आउटपुट चेंजेस ओनली एट स्पेसिफिक टाइम, जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं उसी वक्त आउटपुट चेंज हो जाता है, इसके बगैर आउटपुट चेंज नहीं होता है, चाहे इनपुट्स में कोई भी चेंज आ जाए। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या हो जाता है, जैसे ही इनपुट्स आते हैं आउटपुट चेंज हो जाता है, यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होती है, देयर इज नो क्लॉक, ठीक है। दीज आर फर्दर टाइप्स ऑफ दीज सिक्वेंशियल गेट्स। वी कैन हैव टू स्टेट गेट्स,
जिनमें दो ही स्टेट होते हैं ऑन एंड ऑफ, मोनो स्टेट होते हैं हमारे पास, एक ही स्टेट उनमें होता है, एंड देयर आर नो स्टेबल स्टेट्स, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जिनकी बात करेंगे, जिन चीजों को हमें पढ़ना है वो है, दोज आर कॉल्ड लैच्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। ये गेट्स हम पहले, ये सिक्वेंशियल सर्किट्स हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज अ लैच और व्हाट इज अ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ, देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन लैच्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, कि इनमें जो चेंज स्टेट होता है किस बुनियाद पे होता है, ट्रिगर कहाँ पे होता है, ठीक है। जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तो कहाँ पे ट्रिगर होता है, क्लॉक के वैल्यू पे ट्रिगर होता है या इसके पॉजिटिव नेगेटिव एजेस पे होता है, तो ये भी हम देखेंगे इसमें बाद में। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद दीज लैच्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, देयर आर सर्टन गेट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने एंड गेट पढ़ लिया, हमने और पढ़ लिया, हमने नॉट पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरह कुछ और गेट्स है जो मैं यहाँ पे पहले कवर करूंगा, उसके बाद वी विल स्विच अगेन टू दिस टॉपिक। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं, तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे। अब हम लोगों ने एंड गेट देख लिया, एंड आई नो कि आपको सबको पता है कि एंड गेट कौन सा वाला होता है। हमारे पास जो एंड गेट है, फॉर एग्जांपल हम दो इनपुट एंड गेट लेके, ये डी की तरफ होता है, ये हमारा इसका आउटपुट होता है, इसके यहाँ से जितने भी इनपुट्स होंगे, फिलहाल फॉर एग्जांपल टू इनपुट लेंगे, ये एक्स है, वाई है, और यहाँ से हमें आउटपुट फॉर एग्जाम्पल जेड मिलता है। इसके बाद हमने इसका ट्रुथ टेबल देख लिया, हमारे पास x है, हमारे पास y है, एंड देन वी हैव z, ये आउटपुट है, ठीक है। तो पहले x में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, चार कॉम्बिनेशन है हमारे पास। और इन चार कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या होता है, एंड गेट का हमें पता है, अगर दोनों ऑफ होंगे और दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो आता है, अगर दोनों में से एक भी ऑफ होगा तो एंड गेट में फिर भी जीरो ही आता है, यह एंड गेट का ट्रुथ टेबल है जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। अगर दोनों हाई होंगे, दोनों में वन होगा, दोनों ऑन होंगे, ये भी, देन जेड विल बी वन, ठीक है। दिस इज अवर एंड गेट। अब इस एंड गेट में थोड़ी सी हम चेंज लाते हैं, यहाँ पे मैंने एंड गेट बना दिया, अब मैं इस एंड गेट के आगे एक नॉट गेट डाल देता हूं, ठीक है। अब मुझे आउटपुट ये नहीं चाहिए, यहां पे आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट आ जाएगा आप जेड, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेड नहीं लिखता हूं, मैं यहाँ पे आप लिखता हूं y, फॉर y तो लिख दिया हमने, मैं यहाँ पे लिखूंगा m फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस m, m का आउटपुट क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है मुझे, 0 0 पे m में क्या आ जाएगा, यहाँ m पे आउटपुट क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने एंड गेट के आगे एक नॉट गेट डाल दिया, ये यहाँ पे एक नॉट गेट है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, नॉट गेट जो भी इनपुट आता है उसको फ्लिप करता है, अगर जेड में जीरो होगा तो यहाँ पे एम में वन आएगा, अगर जेड में वन होगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे जेड जीरो है, जेड जीरो है, उसको नॉट हो जाएगा, एम में वन आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी जीरो है, फिर से वन आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो है, फिर से वन आ जाएगा, और वन है उसका जीरो बन जाएगा। तो जो ये m मेरा है, इट इज रिवर्स ऑफ z, जो z का वैल्यू है उसका उल्टा दे रहा है, हम इसका इनवर्स दे रहा है, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पे वन, ठीक है। दिस गेट, अगर हम इसको अब पूरे को गेट नाम रखें, अगर मैं यहाँ पे इसको गेट नाम रखूं, ये इतना मैं गेट बना दूं, ठीक है। इस गेट में यहां से दो इनपुट है x एंड y, और यहां से एम आउटपुट जा रहा है,
और इंटरनली क्या है, एंड गेट और एक नॉट गेट बना हुआ है। दिस गेट इज कॉल्ड ए नैंड गेट, वी कॉल इट ए नैंड गेट। नैंड क्यों कहते हैं, एंड विद ए नॉट गेट, एंड का मतलब है नॉट और एंड का मतलब है एंड गेट। एंड गेट के आगे, क्योंकि हमने एन पहले रख दिया, इसका मतलब इसके फ्रंट पे आगे नॉट गेट लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए नैंड गेट, और इस नैंड गेट का सिंबल क्या है, हम ऐसे ही डी बना देते हैं, ठीक है, और यहां पे एक बबल डाल देते हैं। दिस बबल इंडिकेट्स नॉट गेट, ठीक है, यहां से एक्स, यहां से वाई, और ये हमारा एम है आउटपुट। तो दिस इज ए नैंड गेट, इसको हम नैंड कहते हैं। अब नैंड गेट का लॉजिक क्या होगा, एंड में जहां जहां पे जीरो आउटपुट आता है यहां पे वन आएगा, जहां उसमें वन आता है वहां पे जीरो आ जाता है। दिस इज ए नैंड गेट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है, क्योंकि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हम इंप्लीमेंट करेंगे वो सारे हम इसी के जरिए करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड ए नैंड गेट। अब नैंड गेट की खासियत क्या है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक अनदर गेट। अगर हमारे पास और गेट है, इसको मैंने दो इनपुट्स दे दिए, यहां से एक्स, यहां से वाई दे दिया, और यहां से जड़ जा रहा है। अब इसका ट्रूथ टेबल भी आपको पता है, हमारे पास एक्स है, हमारे पास वाई है, हमारे पास जड़ है। तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, ठीक है। तो जीरो जीरो पे और गेट क्या देता है, दिस इज एन और गेट, हमें पता है जीरो जीरो पे आउटपुट जीरो आएगा, अगर एक भी वन होगा तो आउटपुट वन आ जाएगा। तो यहां पे भी वन, यहां पे भी वन, यहां पे भी वन, दिस इज आवर और गेट। लेट अस डू द सेम थिंग विद दिस और गेट एज वेल, जो हमने अभी उसके साथ किया, इसके आगे एक नॉट गेट डाल दो और यहां पे आप आउटपुट ले लो, फॉर एग्जांपल एन। तो व्हाट विल हैपन टू दिस एन, एन में आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा जो जड़ है उसका इनवर्स आ जाएगा। जड़ में अगर जीरो है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगा है, यहाँ जड़ आ गया उसको नॉट हो गया तो वन बन गया, वन आ गया तो उसको जीरो जीरो जीरो। दिस मीन्स दिस इज रिवर्स ऑफ, एंड वी कॉल दिस, अगर इसको हम गेट की सूरत में रखेंगे, इतना गेट बनाएंगे और आगे से इनपुट्स एक्स एंड वाई है, दिस इज कॉल्ड ए नॉर गेट। बहुत इजी गेट है, नॉर का मतलब है नॉट गेट है आगे किसके, और गेट के, और गेट के आगे हमने नॉर गेट लगा दिया। और इसका सिंबल भी सिमिलरली ऐसे ही हम लिखते है, हम नॉर गेट को और गेट से बनाते, आगे बबल डाल देते। This bubble in gates always represents a not, ठीक है, जब हम ये not gate बनाते हैं ना, इसके आगे bubble रखते हैं, इसमें not को represent करने वाला ये bubble होता है। अगर हम ऐसे लिखेंगे, ये भी एक gate है, this is called a buffer, buffer का मतलब है यहां से zero आ गया तो output भी zero ही आता है, अगर यहां से one आ गया तो output भी one ही आता है। अगर इसके आगे आप लोगों ने ये bubble डाल दिया, then it becomes a not gate, यहां से जीरो आ गया तो वन जाएगा, वन आ गया तो जीरो जाएगा। तो बबल रिप्रेजेंट्स ए नॉट गेट, ना कि ये ट्रायंगल, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स ए बफर, ठीक है। तो यहां पे भी जब मैंने ये बबल डाल दिया इसके आगे, दिस बबल रिप्रेजेंट्स कि इट इज ए नॉट गेट एट द फ्रंट ऑफ दिस और गेट। तो यहां से एक्स है, यहां से वाई है, यहां से मेरा एन आ गया, दिस इज कॉल्ड ए नॉर गेट। तो दो इंपॉर्टेंट गेट्स है, एक नैंड गेट है हमारा, एक नॉर गेट है हमारा। अब नैंड गेट में क्या हो जाता है, नैंड गेट में जब कोई भी इनपुट वन हो तो आउटपुट वन आ जाता है, अगर दोनों इनपुट उस वन आ गए नैंड में, एंड गेट तो वन देगा लेकिन नॉर गेट, नैंड गेट जीरो देता है, इसमें उसका रिवर्स हो जाता है, जब दोनों इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट वन आ जाएगा, अदरवाइज इट विल गिव जीरो। अब ये दोनों गेट इंपॉर्टेंट क्यों है, Because these are called universal gates.
यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं हम, किनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स? क्वेश्चन आता है कभी, बट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल गेट्स। किस किस को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं? नैंड गेट को और नॉर गेट को। यूनिवर्सल गेट का मतलब है इन दोनों गेट्स की मदद से वी कैन इंप्लीमेंट एनी सर्किट या एनी गेट, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल गेट्स हैं एंड और नॉट। हम किसी भी बुलियन फंक्शन को इन तीन गेट से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अगर कोई और गेट है जो कि इन तीनों का काम करे, एंड का भी काम करे और का भी काम करे और नॉट का भी काम करे, then we will use that gate. That gate can be used. NAND gate को हम convert करके AND भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं NOT भी। तो इसका मतलब है we can implement any function. Any boolean function can be implemented using these gates. NOR को भी हम AND में भी convert कर सकते हैं और में भी और NOT भी convert कर सकते हैं। So these are called universal gates. और universal gates से ही हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। पहले नैंड को लेते हैं। अब नैंड गेट को नॉट कैसे बनाएं? पहला है नॉट गेट बनना चाहिए नैंड गेट्स। अब देखो मैं एक नैंड गेट ले रहा हूं क्योंकि एक ही इनपुट होना चाहिए, इसके आगे बबल है, ठीक है, और आगे एक और नैंड गेट दे देता था, ये से एक्स जा रहा है और यहां से देखते हैं क्या जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स आ रहा है नैंड गेट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और याद रखना है नैंड गेट में दो इनपुट्स होते हैं, वी फ्यूज दोज टू इनपुट्स। ठीक है, मैंने एक्स लिया, आप देखते हैं यहां से क्या निकलेगा, क्या ये नॉट गेट का काम करता है। तो हमारे पास एक्स है, ठीक, दूसरा इनपुट भी एक्स ही है और आउटपुट हमारे पास वाई है। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब चार कॉम्बिनेशंस बनती है दो इनपुट की, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। लेकिन क्योंकि एक्स दोनों जगह जा रहा है, अगर मैंने एक्स को जीरो दे दिया तो दूसरा एक्स भी जीरो ही जाएगा, ये जीरो है तो ये भी जीरो ही जाएगा क्योंकि दोनों इनपुट्स को मैंने फ्यूज कर दिया। अगर ये वन है तो ये भी वन ही जाएगा। ये कभी नहीं पॉसिबल कि एक एक्स को मैंने जीरो दे दिया दूसरी जगह पे वो वन बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ये भी पॉसिबल ही नहीं है, मैंने एक जगह पे वन दे दिया तो दूसरी जगह जीरो, क्योंकि मैंने इनको फ्यूज कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? जीरो जीरो पे नैंड गेट क्या आउटपुट देता है? जीरो जीरो पे एंड गेट देता है वन, नैंड गेट देगा जीरो। जीरो जीरो पे नैंड गेट देता है जीरो, नैंड गेट देगा वन। उल्टा वन वन पे एंड गेट देता है वन, नैंड गेट देगा उसका उल्टा जीरो। ये दो कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैंने x का वैल्यू जीरो दे दिया तो आउटपुट वन आ जाता है, y में वन आ जाता है। अगर मैंने x का वैल्यू वन दे दिया तो आउटपुट जीरो आ जाता है। तो इट इज फंक्शनिंग लाइक ए नॉट गेट। तो हमारे पास नॉट गेट की तरह ये फंक्शन करता है, ये पूरा एक नॉट गेट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ गया, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नॉट गेट कैसे फंक्शन करता है नैंड गेट? सिंपली कंफ्यूजन है? नो, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है हाउ इट एक्ट्स एज एन एंड गेट। अब इसको एंड गेट देखते हैं या पहले और गेट देखते हैं?
चले, अगर मैंने ऐसे गेट बना दिया ठीक है, और ये मैंने पास ऑन कर दिया किसको, एक और गेट को, जो नैंड गेट है, क्योंकि जो भी गेट्स हमें यहाँ पे बनाने होंगे वो हमें नैंड से ही बनाने होंगे। वी कैन नॉट टेक एनी अदर गेट, क्योंकि मैं नैंड के जरिए कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, और ये यहाँ पे मेरा जेड निकल जाता है। अब चले इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई है, और मेरे पास यहाँ से जेड आ रहा है। यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन है, 00, 01, 10 एंड 11। तो जेड में क्या जाएगा, 00, जब एक्स वाई को 00 देते हैं तो नैंड गेट क्या देता है हमें, नैंड गेट हमें 1 देता है। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, 00 पे एंड गेट 0 देता है और नैंड गेट 1 देगा। अब इस 1 को, इस गेट को, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये नॉट गेट बन गया यहाँ पे, जो अभी हमने देखा जिसमें हमने दो इनपुट्स को फ्यूज करके नैंड गेट डाल दिया। ये इतना यहाँ पे नैंड है, नॉट गेट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला नॉट गेट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नॉट गेट है। इसका मतलब है 1 का आउटपुट क्या बन जाएगा, 0। तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जब 00 आ गया तो इसने आउटपुट 0 दे दिया। ठीक, तो ये मैंने और लिख लिया, ये एंड के लिए है। यहाँ पे पहले एंड लिखो, ये एंड गेट है। तो अब आउटपुट दे दो 01। अब 01 पे एंड गेट क्या देता है, आप एंड गेट से समझा करो, एंड गेट देता है 01 पे 0, लेकिन नैंड गेट उसका उल्टा कर देगा, वो देगा मुझे 1। ठीक है, ये 0 दे देगा 01 पे, एंड गेट 0 दे देगा, लेकिन जब हम उसको नैंड कर देंगे, नैंड करने के बाद व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1। 1 को उल्टा कर दो तो 0 बन जाएगा। ठीक है, देन लेट अस मूव टू द थर्ड वन। अगर हमने यहाँ पे 10 दे दिया तो 10 पे यही जा जाएगा, 10 पे नैंड गेट दे देगा 1, और जब यहां पे चला जाएगा तो यहां पे 0 हो जाएगा। और अगर हमने 11 दे दिया, 11 पे एंड गेट देता है 1, नैंड गेट देगा 0, 0 को इस गेट के पास कर दिया तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये किसका ट्रुथ टेबल है, ये जो ट्रुथ टेबल बन गया किस चीज का ट्रुथ टेबल बन गया, दिस इज एन एंड गेट, ये एंड गेट बन गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज एन एंड गेट, एंड गेट में हमारे पास जब दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा, बाकी हर कॉम्बिनेशन पे 0 आ जाएगा। तो ये जो गेट यहाँ पे बन गया, दिस इज एन एंड गेट, ये यहाँ पे एंड की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास और गेट रह जाता है। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, काली जड़ को मिटा देते हैं, 0 वही पे। तो अब मैं गेट ऐसे बनाता हूं, मैं एक ले रहा हूं, जिसको मैं एक्स दे रहा हूं, मैं दूसरा ले रहा हूं जिसको मैं वाई दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों इनपुट जो आ गए, या मैंने एक और नैंड गेट को दे दिए। अब यहां पे चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ जेड, क्या ये तीसरा वाला हमारे पास और गेट है, अब क्या ये गेट, ये जो मैंने यहां पे बना दिया, इज इट फंक्शनिंग एज एन और गेट, ये जो गेट हमने बना दिया क्या ये फंक्शन करता है और गेट की तरह। ठीक है, तो आप चेक करो, तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमने एक्स को 0 दे दिया, वाई को 0 दे दिया, इस गेट को एक्स मिल गया 0, अब क्योंकि ये नॉट गेट है,
जीरो आ गया तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वाई मिल गया यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वन, क्योंकि ये नॉट गेट की तरह काम करता है। अब इसके बाद नैंड गेट है, नैंड गेट को जब दोनों इनपुट वन देते हैं तो आउटपुट दे देता है जीरो, तो यहाँ पे जीरो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। मैंने एक्स को दे दिया जीरो, वाई को दे दिया वन, जब नॉट गेट है यहाँ, नॉट गेट को जीरो देते हैं तो वन देता है, ये भी नॉट गेट है वन देंगे तो जीरो देगा। अब वन जीरो कॉम्बिनेशन जब नैंड गेट को देता है, नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट आउटपुट देता है वन, क्योंकि नैंड में अगर एक भी इनपुट वन आ जाता है तो वन आ जाता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। सेम आप कॉम्बिनेशन चेक करो, अब यहाँ पे वन दे दो, यहाँ पे जीरो दे दो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, जीरो वन पे भी आउटपुट वन देता है तो वन दे देगा। अब तीसरी कॉम्बिनेशन, चौथी कॉम्बिनेशन चेक करो, अब यहाँ पे भी वन दे दो, यहाँ पे भी, ये वन देंगे तो जीरो आ जाएगा, वन देंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो और जीरो पे नैंड गेट आउटपुट क्या दे देता है वन, क्योंकि जीरो और जीरो पे एंड गेट जीरो देता है और नैंड गेट वन देगा, यहाँ पे भी वन। अब ये जो ट्रुथ टेबल बन गया, जीरो जीरो पे जीरो, बाकी अगर दोनों में से एक भी वन आएगा तो वन आता है, दिस इज द आउटपुट ऑफ और गेट, ये और गेट का आउटपुट। तो दिस सर्किट फंक्शंस एज एन और गेट, तो इसका मतलब है नैंड के जरिए आई एम एबल टू इंप्लीमेंट नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। ठीक है, इसी तरह आप नैंड की जगह नॉर गेट को ले लो, सिमिलर स्ट्रक्चर आ जाएगा यहां पे। और गेट के लिए भी यही, मैं और गेट लूंगा, अगर मैं इनपुट्स को फ्यूज कर देता हूं तो ये नॉट बन जाता है, ये आपको नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे उल्टा हो जाएगा, इस किस्म का स्ट्रक्चर नॉर गेट में और बन जाएगा और ये वाला एंड बन जाएगा। तो अगर आप ऐसे ले लोगे, ये गेट है, इसको मैंने एक्स और वाई दे दिया, मैं नॉर गेट को आगे इसको फ्यूज करके एक और नॉर गेट को दे दिया, तो दिस गेट एक्ट्स एज और गेट। आप इसका ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हो, जो और गेट का फंक्शन है वही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, आउटपुट आपको वही मिल जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नॉर गेट के लिए यू कैन चेक यूर सेल ट्रूथ टेबल की क्या ये यही काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, मैंने एक नॉर गेट लिया, इसको इनपुट दे दिया, उनको फ्यूज कर दिया, दूसरा नॉर गेट लिया, उसको इनपुट दे दिया और उनको भी फ्यूज कर दिया, ये एक्स है, ये वाई है, और इन दोनों का इनपुट मैंने एक और नॉर गेट को दे दिया। ठीक, दिस विल एक्ट एज एंड गेट, ये पूरा सर्किट एज एंड गेट काम करेगा। तो यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ, आप रफ पे देख लो, आप रफ पे इनकी कॉम्बिनेशंस बनाओ, जैसे मैंने अभी इनके लिए बनाई थी। तो दिस मीन्स वी आर एबल टू इंप्लीमेंट द बेसिक फंडामेंटल गेट्स विद द हेल्प ऑफ नॉर और नैंड गेट। तो देन दीज टू गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज वी कैन इंप्लीमेंट एनी फंक्शन और एनी गेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट्स, एनी बुलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड। तो इन दोनों की मदद से मैं कोई भी, क्योंकि एंड और नॉट से भी मैं कर पाता हूँ और एंड और नॉट को मैं इनके जरिए इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, देन आई एम एबल टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग नॉर एंड नैंड गेट। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। अब इनका ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, जो हमने ट्रूथ टेबल इनका पढ़ा है, ये वाला, अगर और गेट है, नॉर गेट है, तो नॉर गेट में सिर्फ वन आ जाता है जब दोनों जीरो हो, अदरवाइज इट इज गिविन जीरो, और नैंड गेट में उसका उल्टा है, जब दोनों वन होंगे तो जीरो, बाकी ये वन दे देता है। ठीक है, तो दीज वर द फंडामेंटल गेट्स जो कि हम यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये गेट्स आपको याद रखने ही रखने। अगर आपको ये फंक्शन, यू कैन इवन वेरीफाई दिस थिंग कि ये फंक्शन करते हैं एज नॉर गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे
यहाँ पे x है इस गेट में, x हम दे रहे हैं, x इसी को वापस हम दे रहे हैं, दोनों बार x दे रहे हैं, x एंड x, ठीक। ये एंड गेट को जा रहा है, आगे जाके उसको नॉट हो रहा है, ये एंड गेट को जा रहा है, आगे जाके उसको नॉट हो रहा है, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई करूं, x एंड x, x इंटू x इज x, ठीक है, और ऊपर से कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इसका मतलब है ये मुझे कॉम्प्लीमेंट देगा, जो भी x होगा उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह यू कैन वेरीफाई फॉर दिस वन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, x और x ले रहे, x एंड x, x एंड y ले रहे, ठीक है, उनको ऊपर से नॉट कर रहे क्योंकि आगे जाके नॉट गेट है, ठीक। वो दोनों हम दे रहे हैं किसको, इस गेट को, x एंड x दो बार आ रहा है, x एंड y दो बार आ रहा है, ठीक है, और उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। अगर इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस फंक्शन विल अगेन गिव मी एंड गेट x एंड y, क्योंकि मुझे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, पहले ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और जो इसमें सिंबल्स है वो उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पे एंड है इसको और बन जाएगा, इसको एंड को और बन जाएगा, इसको भी और ऊपर से डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। तो दीज वेयर द यूनिवर्सल गेट्स, अब वापस चलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स पे, अब फ्लिप फ्लॉप्स की बात हो रही थी, नाउ लेट अस मूव टू द फ्लिप फ्लॉप्स अगेन। तो इतना समझ आ गया आपको कि व्हाट इज ए नैंड गेट, व्हाट इज ए नॉर गेट। नॉर गेट और नैंड गेट हम एंड और से बनाते हैं, नॉट गेट आगे लगा देते हैं, और दीज टू आर इंपॉर्टेंट गेट्स बिकॉज दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, इनसे हम कोई भी दूसरा गेट क्रिएट कर सकते हैं जो फंडामेंटल गेट्स है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल लॉजिक की, और सीक्वेंशियल लॉजिक में हमने देख लिया देयर आर मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है, मेमोरी एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। मेमोरी एलिमेंट का काम क्या है, इसमें मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, इस मेमोरी एलिमेंट को मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, ये मेमोरी एलिमेंट उसको सेव करता है, एंड देन आई कैन गेट दैट डेटा लेटर ऑन, जैसे हम मेमोरी में सेव करते हैं और फिर लेटर ऑन उसको निकालते हैं, और जो आउटपुट हमारा होता है यहाँ पे, जहां पे भी हम आगे आउटपुट की बात करेंगे, वी विल कॉल दैट विद द हेल्प ऑफ दिस क्यू, क्यू इज एन आउटपुट, आउटपुट फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। अब और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, मसलन एट टाइम टी मैंने इसमें कुछ एक्स दे दिया, मैंने इस मेमोरी में कुछ डेटा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीरो डाल दिया, तो ये इसमें जीरो सेव हो जाएगा, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, क्यू एट टाइम टी क्या मिल जाएगा मुझे, जो इसमें वैल्यू था जीरो, ठीक है। अब दूसरे टाइम पे मैं दूसरा वैल्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंसी है कि कब मैं कौन सा वैल्यू निकाल रहा हूँ इस मेमोरी से, तो आई कैन गेट दैट आउटपुट एज की क्यू ऑफ टी प्लस वन, टी प्लस वन मीन्स एट टाइम इंस्टेंट टी प्लस वन, अगर टी पे ये वैल्यू था नेक्स्ट इंटरवल पे क्या वैल्यू आ जाएगा। अगर यदि कितने बजे हुए हैं, 3:41 पे इसमें क्यू वैल्यू था, ठीक है, 3:42 पे क्या वैल्यू होगा, तो मैं कह सकता हूँ क्यू ऑफ 3.41, क्यू ऑफ 3:42, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज टी, अगर इस टाइम को हम टी रिप्रेजेंट करें तो ये टी है और दिस इज टी प्लस वन, क्योंकि इसमें एक मिनट मैंने इंक्रीज कर दिया टी प्लस वन, ठीक है। तो ये आउटपुट जो मेमोरी से निकलेगा, वी रिप्रेजेंटेड इट विद क्यू टी, टाइम टी पे क्या आउटपुट था, अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट टाइम पे इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू टी प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करो, क्यू टी रिप्रेजेंट इज द करंट स्टेट ऑफ द मेमोरी, इस वक्त मेमोरी में क्या सेव है, अगर मैंने इनपुट चेंज कर दिया, सिग्नल डाल दी, नेक्स्ट आउटपुट क्या बन जाएगा, क्यू टी प्लस वन, जिसको हम नेक्स्ट स्टेट कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेट था 3:41 में, इसमें मैंने जीरो सेव कर दिया,
3:42 पे इसमें क्या सेव होगा, वन होगा कि ये नेक्स्ट स्टेट डिटरमाइन करेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेट किस बुनियाद पे चेंज होगा, इट विल चेंज बेस्ड ऑन द इनपुट्स, जो इनपुट्स आ रहे हैं प्लस जो प्रीवियस स्टेट था, क्योंकि ये फीडबैक सिस्टम यहाँ पे होता है, इन दोनों की बुनियाद पे ये चेंज हो जाए। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस आपको याद रखनी है जो हम यूज करेंगे। जब मेमोरी एलिमेंट में हम कहते हैं सेट, सेट करेंगे, इसमें कमांड एक दे देंगे हम, यहां से कमांड हम दे रहे हैं वैल्यू सेट कर दो। इस सेट का मतलब है कि अगर इस मेमोरी में एट टाइम, मैं पहले इसको हटा देता हूं, ठीक है, अगर इस मेमोरी में एट टाइम टी कुछ भी वैल्यू सेव हो, एक्स, मैंने आपको एक्स कहा था, ट्रूथ टेबल में अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है एनी वैल्यू, चाहे जीरो है जिसको हम डोंट केयर कहते हैं, तो जीरो हो या वन हो, अगर इस मेमोरी में सेव है जीरो या सेव है वन, ठीक, जब मैं इसको कमांड देता हूं सेट, तो व्हाट विल हैपन टू दिस वैल्यू, इट विल सेट द वैल्यू एज वन, चाहे जीरो हो प्रीवियसली वन हो, नेक्स्ट वैल्यू इसमें वन हमेशा सेव हो जाएगा, किस कमांड से, सेट कमांड से। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रिसेट, अगर मैंने यहां पे कमांड दे दी रिसेट, और इस मेमोरी में चाहे जीरो सेव हो चाहे वन सेव हो, जो भी वैल्यू इसमें प्रीवियसली स्टेर सेव हो, क्यू टी पे कुछ भी वैल्यू सेव हो, ये क्यू टी है, कुछ भी सेव हो, जीरो हो वन हो, जब मैंने इसको कमांड दे दी रिसेट, तो रिसेट क्या काम करता है, इसमें हमेशा वैल्यू को जीरो कर देता है, अगर इसमें जीरो था तो जीरो ही रहेगा, अगर इसमें वन था फिर भी जीरो ही रहेगा, इसमें जीरो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कमांड हम आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करेंगे। सेट, जब हम किसी मेमोरी एलिमेंट को कहेंगे कि सेट, सेट का मतलब है इसमें वन वैल्यू सेट कर दो, प्रीवियस जो भी होगा उसको मिटा दो। रिसेट का मतलब होगा इसमें जीरो वैल्यू सेव कर दो, प्रीवियस जो भी वैल्यू होगा उसको ओवरराइड कर दो। ठीक है, देन वी हैव टू मोर कमांड्स, दैट इज कॉल्ड मेमोराइज, डेटा कमांड्स या नो चेंज एनसी। अगर हमने ये कमांड दे दी एनसी कमांड, नो चेंज या मेमोराइज कमांड, इसका मतलब है जो वैल्यू आ रहा है इनपुट टाइम टी पे, जो वैल्यू होगा, अगर जीरो होगा तो जीरो को ही सेव रखना, अगर वन है तो वन को ही सेव रखना, जो प्रीवियस स्टेट है उसको प्रिजर्व कर दो, उसको मेमोरी में सेव करके रख दो। ठीक है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे जो है हमारे पास, तो ये कमांड सेट और रिसेट, ये हमें फ्लिप फ्लॉप में समझना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हम मेमोरी में डेटा डाल देते हैं, यहाँ से कमांड दे रहे हैं और यहाँ से आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आउटपुट इसमें स्टोर्ड वैल्यू है। अब कमांड जब मैंने दी, मैंने इसको कमांड फॉर एग्जाम्पल दे दी रिसेट, ठीक, क्या जैसे ही मैंने कमांड इशू कर दी, इस मेमोरी में रिसेट से वैल्यू जीरो हो जाता है, इसमें क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्या उसी वक्त इसका वैल्यू चेंज हो जाता है? अगर ये एसिंक्रोनस है तो जो इनपुट आएगा आउटपुट चेंज होता जाएगा, रिसेट मैंने कमांड दे दी यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये सिंक्रोनस है जिसमें क्लॉक लगी हुई है, हम क्लॉक को अक्सर ऐसे दिखाते हैं किसी भी गेट के साथ, ये सिंबल आपको कनेक्टेड होगा, अगर हमारे पास कोई गेट है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक ऐसे हम सिंबल दिखाते हैं, तो क्लॉक यहाँ पे लगी हुई है, क्लॉक का मतलब है कि ये क्लॉक सिग्नल्स भेज रही है, जीरोस एंड वन सिग्नल्स भेज रही है, और जब इसका वैल्यू वन हो जाए उसी वक्त इसका वैल्यू चेंज कर देना, क्लॉक के साथ सिंक करना, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिखाई थी कि जैसे किसी रेसर उसको रेस करनी है, वो रेडी रहते हैं, जैसे ही क्लॉक या विसल ब्लो हो जाती है उसी वक्त वो दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे ही क्लॉक ऑन हो जाएगी ये इनपुट में जो कमांड है इसका इफेक्ट इस पे पड़ जाएगा, तब तक इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे यहाँ रिसेट हो चाहे सेट हो, मेमोरी काम नहीं करती, जैसे हमने कल देखा था एनेबल, एनेबल कमांड की तरह ये काम करता है। ठीक है, अब ये क्लॉक होती क्या है, क्लॉक इज यूजुअली अ स्क्वायर वेव, एक वेव होती है, ये हमारे पास जीरो वैल्यू होता है, जीरो का मतलब है नो वोल्टेज, ये वन वैल्यू होती है, वन का मतलब होता है सम वोल्टेज, फॉर एग्जाम्पल ये जीरो वोल्ट है
ये प्लस 5 वोल्ट से, ठीक है, ये 0 वोल्ट से। अब ये क्लॉक क्या करती है, ये कंटिन्यूअसली जीरोज एंड वन्स की सिग्नल्स भेजती रहती है, जीरो, लेकिन सेम इंटरवल के लिए। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सेम होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी एक साइकिल में, तो वो सेम होती है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कितने साइकिल्स है, साइकिल यहां से शुरू हो रहा है, ऑन हुआ, फिर वापस ऑफ हुआ यहां तक, ठीक है, तो ये एक साइकिल शुरू हो गया। तो ये जीरोज और वन्स की सूरत में कंटिन्यूअसली सिग्नल्स भेजता है, पहले जीरो फिर ऑन हुआ कुछ टाइम के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए, फॉर एग्जांपल 1 नैनो सेकंड के लिए, फिर से डाउन हो गया, जीरो हो गया 1 नैनो सेकंड के लिए, फिर से अप हो गया 1 नैनो सेकंड के लिए, एंड कंटिन्यूअसली ऐसे ही ये सिग्नल्स भेजता रहता है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये कंटिन्यूअसली ये सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। अब पहले इसको आप यहीं पे रखो, मैं आपको अपने लॉजिक सिम, जो हमारा लॉजिक सिम है उसमें क्लॉक दिखाता हूं। चलिए मैं लॉजिक सिम खोलता हूं यहां पे, मैं एक गेट ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल नॉट गेट, इस नॉट गेट को मैं आगे से कुछ पिन्स कनेक्ट कर देता हूं और पीछे से भी एक पिन कनेक्ट कर देता, नहीं पीछे से जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे इस वायरिंग में एक क्लॉक होती है, ये यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, दिस इज द क्लॉक, इसका ये सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे है, ये दिस इज द क्लॉक। अब इस क्लॉक को सिलेक्ट करो और आप साइमुलेट पे जाओ, साइमुलेट पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा इसके लिए, यू कैन टिक वन्स, टिक वन्स का मतलब है एक ही बार इसको ऑन और ऑफ कर दो, ठीक है। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, ये ऑफ था ये ऑन हो गया, फिर से मैं टिक करता हूँ, ठीक है, अब मैं कंटिन्यूसली टिक कर रहा हूँ, अब देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, जब ये ग्रीन हो रहा है इसका मतलब है वन, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था वन, जब ये ग्रीन होता है तो आप ऑन, जब ये ब्लू टाइप का होता है तो इसका मतलब है ये ऑफ है, ठीक। तो अगर मैं कंटिन्यूसली टी को प्रेस करते रहूं, कंट्रोल टी को, ये देखो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, सिग्नल्स भेज रहे। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं इस नॉट गेट के साथ, यहां पे आप आउटपुट देखो, इस वक्त आउटपुट ऑन है, ठीक है, इसमें आउटपुट ऑन है, ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, तो इनपुट ऑन है तो आउटपुट जीरो आ रहा है। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट कंट्रोल टी करता हूँ तो ये ऑफ हो गया और यहाँ पे सिग्नल नॉट गेट में तो वन ही आ जाएगा आउटपुट। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ ये कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ सिग्नल्स भेज रहा है, दिस इज द क्लॉक। अब इस क्लॉक को आप साइमुलेट कर दो, टिक्स एनेबल कर दो, अब देखो ये कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ सिग्नल्स भेज रहा है सर्किट को, पहले ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ फिर ऑन। अब एक सेकंड में ये कितनी बार कर रहा है, एक सेकंड में कितनी बार ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड, जो आप लोगों ने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में ये कितनी बार ऑन ऑफ होती है, अगर आप यहाँ साइमुलेट पे जाओगे यू विल गेट द ऑप्शन फ्रीक्वेंसी में, इसमें लिखा हुआ है 1 हर्ट्ज, हर्ट्ज इसका यूनिट है, जैसे किलो यूनिट है हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में एक बार, आप देखो एक सेकंड में ये एक बार ऑन और फिर ऑफ हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में सिर्फ 1 टाइम। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो देखो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, अब ये एक सेकंड में 2 बार ऑन ऑफ हो रहा है। नाउ लेट अस चेंज इट टू सम अदर वैल्यू, अब मैं जाता हूं 4 हर्ट्ज पे, अब देखो इसकी स्पीड बहुत तेज हो रही है, ऑन ऑफ एक सेकंड में 4 बार, 4 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 4 बार ये ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है, ठीक है।
Now let us simulate it for some higher value. मैं यहां पे 16 कर देता हूं. अब देखो इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई. 16 हर्ट्ज है इसकी स्पीड, ओनली 16 हर्ट्ज. मैं यहां पे लिखता हूं 16 हर्ट्ज. तो 16 हर्ट्ज पे आप देखो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है. 16 हर्ट्ज, ठीक है. आपके कंप्यूटर में क्लॉक लगी हुई है आपके सिस्टम में, ठीक है. और वो क्लॉक उसकी स्पीड क्या होती है, मैं यहां पे जाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं. यहां पे आप जाइए, मेरे जो प्रोसेसर है इसमें लिखा हुआ है इंटेल कोर i5, स्पीड क्या है 1.6 गीगाहर्ट्ज. इसमें क्लॉक लगी हुई है और उस क्लॉक की स्पीड कितनी है यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 1.85 गीगाहर्ट्ज. अब यहाँ पे भी देखो, ठीक है. तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसकी स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज है, ठीक. मैं इसको थोड़ा सा एनोटेट करता हूँ यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये दिखा रहा है इसके गीगाहर्ट्ज कितना होता है. जो बेस स्पीड दिखा रहा है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज. पहले हमारे पास हर्ट्ज है, हर्ट्ज का मतलब है अगर 10 हर्ट्ज है तो 10 साइकल्स पर सेकंड, ठीक है. अगर आप मेगा पे जाओगे ना, मेगाहर्ट्ज, मेगा मीन्स मिलियन. अगर मैं कहता हूं 1 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है, 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में 10,00,000 बार ये ऑन ऑफ होता है, 10,00,000 टाइम्स, ठीक है. और इसके बाद आता है गीगाहर्ट्ज. 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 1,000,000,000 टाइम्स. 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर की स्पीड है 1,000,000,000 यानी 10,00,00,000 टाइम्स ये एक सेकंड में ऑन ऑफ सिग्नल्स भेजता है, ठीक. अभी जब हम यहां पे देख रहे थे, यहां पे हमने सिर्फ 16 हर्ट्ज की स्पीड रख दी और हम वी आर नॉट एबल टू सी दैट. अब इसकी स्पीड थोड़ा चेंज करते हैं. अब यहां पे देखो कितनी स्पीड है, 32 हर्ट्ज मीन्स 32 बार, देन 1 किलो हर्ट. किलो का मतलब है 1000, ठीक है. अगर मैं इसको 1 किलो हर्ट कर दूं, आपको यह अब दिखाई नहीं देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार ये ऑन ऑफ हो रहा है. दिस इज द क्लॉक जो कि कंटिन्यूअसली सिग्नल भेज रही है और आपके प्रोसेसर में यही क्लॉक लगी हुई होती है. और जितनी इसकी स्पीड होगी हर क्लॉक साइकिल में, अगर ये 1,000,000,000 टाइम्स ऑन ऑफ हो रही है, उस बिलियन में से एक यूनिट निकाल दो, बिलियंथ आइटम, उसमें ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. कुछ इंस्ट्रक्शन मोर देन 1 साइकिल लेते हैं, कुछ 1 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल लेते हैं. तो एवरेज में आप अगर 5 भी लोगे तो आप देख लो बिलियन कितनी इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट कर सकता है. समझ आ गया इतना, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज ए क्लॉक. क्लॉक को यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है. तो ये क्लॉक क्या होती है, दिस क्लॉक इज एक्चुअली, मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलता हूं. अब यहां पे वापस फिर से देख लो, अब आपको समझ आ रहा है कि ये क्लॉक होती क्या है. ये क्लॉक एक डिवाइस होता है जो कि कंटिन्यूअसली जीरोस एंड वन्स की सिग्नल, ये जीरो है, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, लो सिग्नल अप सिग्नल, ठीक है. ये ग्राफ होता है हमारा, ये हमारा ग्राफ होता है. अगर ये ग्राफ दिखाएंगे तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है. तो जीरो चल रहा है फिर वन आ गया, फिर जीरो चल रहा है फिर वन आ गया, फिर जीरो चल रहा है फिर वन आ गया, ठीक है. ये ग्राफ होता है यहाँ पे हमारे पास. तो ये कंटिन्यूअसली ये सिग्नल्स भेज रहा है, पॉजिटिव सिग्नल्स, ठीक है. अब इसमें दो चीजें अब होती है, जब यहां से कमांड आ गई और यहां से क्लॉक ऑन हो गई, जब क्लॉक ऑफ होगी, इस वक्त ये ऑफ है, इस वक्त भी ऑफ है, इस टाइम पे
आउटपुट चेंज नहीं होगा, चाहे इस टाइम पे इनपुट चेंज भी हो जाए। ये कब चेंज करता है? इट चेंजेस इन दिस टाइम स्लॉट, जब यहां से ये बढ़ता रहता है इस टॉप स्लॉट पे। ये जो यहाँ पे टॉप स्लॉट है जहां पे एक्चुअली वन होता है। दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव पल्सेस, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये जीरो पल्सेस है, यहां पे पॉजिटिव पल्सेस है। यहां पे वैल्यू क्या होता है? वन। इस स्लॉट में यहां पे भी वैल्यू वन होगा। वी कॉल दीज पल्सेस एज पॉजिटिव पल्सेस, ठीक है। दूसरा होता है जब ये जीरो है, ये सिग्नल मेरी अभी तक जीरो थी, अब मुझे इसको वन कर देना है, फिर से जीरो, ठीक है। जैसे ही इस पॉइंट पे ये पहुंच जाता है, पहले मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर दूं, जैसे ही यहां पे टाइम पे पहुंचता है, अभी तक वैल्यू जीरो था, अब यहां से सिग्नल बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, जीरो से वन की तरफ जा रहा है। वी कॉल दिस ए पॉजिटिव एज, किसको पॉजिटिव एज हम कहते हैं? जब सिग्नल जीरो से वन की तरफ बढ़ रही है, इस एरिया को, ये जो एरिया यहाँ पे है जहां पे जीरो से वन की तरफ बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। अब आप ठीक, पॉजिटिव एज के बाद दिस एरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव पल्स, क्योंकि अब ये पूरा पॉजिटिव है, इसमें ये पूरा वन है। देन आफ्टर दैट इट मूव्स टुवर्ड जीरो अगेन, अब यहां से वापस स्विच कर रहा है जीरो की तरफ। This value now is decreasing. अगर यहां तक अभी चार्ज पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। We call this edge a negative edge. ठीक है, अब सिंक्रोनाइजेशन करनी है। सिंक्रोनाइजेशन कहां पे होती है? जब हमें यहां से कमांड आ गई और यहां पे क्लॉक आ गई, कमांड और क्लॉक को हमें सिंक्रोनाइज करना है। कमांड और क्लॉक का वैल्यू किस वक्त आउटपुट को चेंज करेगा? वी कैन आइदर यूज दिस एज, यहाँ पे जैसे ही ये अप होता है इसी टाइम पे हम आउटपुट चेंज कर देते हैं। अगर ऐसा कोई गेट है वो, उस गेट को हम कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव एज हो रही है उसी वक्त आउटपुट चेंज हो रहा है इस एरिया में, इस एरिया में आउटपुट चेंज हो रहा है। जैसे ये अप हो रहा है उसी वक्त आउटपुट चेंज हो रहा है। दोज आर कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर सर्किट्स। कुछ सर्किट्स में क्या हो जाता है कि पॉजिटिव पल्सेस पे जब ये पूरा आ गया इस एरिया में आउटपुट चेंज हो जाता है, पॉजिटिव ट्रिगर्ड सर्किट्स हमारे पास है। कुछ सर्किट्स में क्या हो जाता है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होते हैं। जैसे ये नीचे जाता है इस एरिया में, नेगेटिव एरिया में, उसी वक्त हम आउटपुट को चेंज करते हैं। ट्रिगर्ड का मतलब है कब ट्रिगर करना है, आउटपुट को चेंज कब करना है। दोज आर कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड सर्किट्स। तो हमारे पास सर्किट्स पॉजिटिव पल्सेस पे भी है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी है। तो आई होप कि आपको ये क्लॉक समझ आ गई कि क्लॉक होती क्या है, इससे हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, किस वक्त हम आउटपुट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स है। टू टाइप्स ट्रिगरिंग एक्टिवेशन के लिए है, एक को हम पल्स ट्रिगर्ड कहते हैं, दूसरे को एज ट्रिगर्ड। पल्स ट्रिगर्ड का मतलब है जब ये टॉप पे पहुंच गया इस एरिया में ट्रिगर होता है आउटपुट, जब ये ऑन पूरी तरह हो गया उस वक्त फिर आउटपुट चेंज करते हैं। एज ट्रिगर्ड का मतलब है जैसे ही ये अप कर रहा है, चाहे पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, तो उस वक्त हम चेंज कर देते, ठीक है। अब याद रखना है फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में डिफरेंस यही है, जिसको हम लैच कहते हैं। कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए फ्लिप फ्लॉप एंड ए लैच। लैच जो होती है वो पल्स ट्रिगर्ड होती है, उसमें आउटपुट कब चेंज होता है, इस एरिया में जब पूरी तरह से सिग्नल ऑन होती है पल्स के वक्त। और फ्लिप फ्लॉप सर्किट सेम होगा, लैच का भी सर्किट वही होगा, फ्लिप फ्लॉप का भी, सिर्फ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। इसमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होगा और इसमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। फ्लिप फ्लॉप किसको हम कहते हैं? अगर वो एज ट्रिगर्ड है,
ठीक है, एज ट्रिगर्ड का मतलब है जैसे ही ये जीरो से वन की तरफ जा रहा है इस एरिया में आउटपुट चेंज हो रहा है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। अगर इस एरिया में हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, या कुछ फ्लिप फ्लॉप इस एरिया में आउटपुट को चेंज करने देती है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव, और यहाँ पे पल्स ट्रिगर्ड। तो अगर पल्स ट्रिगर्ड है तो वी विल कॉल दैट ए लैच, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है वी विल कॉल दैट ए फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी एलिमेंट है दोनों, लैच भी मेमोरी एलिमेंट है, फ्लिप फ्लॉप भी। व्हाट इज ए फ्लिप फ्लॉप? एक ऐसा मेमोरी एलिमेंट जो कि एक बिट डेटा को सेव करता है, वन बिट डेटा, ठीक है, एक बिट को सेव करता है, इधर जीरो और वन, उसमें एक ही वैल्यू सेव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब ये कब ऑन होती है? फ्रॉम जीरो टू वन, जब जीरो से वन की तरफ जा रहे हैं इस एरिया में ऑन हो रही है, ठीक है। बाकी हर टाइम पे ये ऑफ रहती है, इस एरिया में भी ये ऑफ रहेगी, इस एरिया में भी ये ऑफ रहेगी, नेगेटिव एज में भी ये ऑफ रहेगी, और जीरो में तो ऑफ ही है। लेकिन जब नेगेटिव ट्रिगर्ड कहेंगे वो कब ऑन होगी? इस एरिया में वो ऑन होगी जब यहाँ से नीचे जा रहे, खाली इस पोर्शन, बाकी हर वक्त वो ऑफ रहेगी, यहाँ पे भी ऑफ होगी, यहाँ पे भी वो ऑफ होगी। तो दीज आर द मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिलहाल इसके बाद अब हम ये टाइप्स देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की, इन लैचेस की, एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, एच ट्रिगर, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप्स हम नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।